गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आवाज आ रही है बेटा सबको मेरी? ओके चलो, तो आज की एक्टिविटी के लिए क्या मटेरियल कलर करना है? पोस्टर कलर्स जो आपको स्कूल से मिले हैं या नहीं भी मिले हैं पोस्टर कलर्स, ड्राइंग फाइल, ड्राइंग फाइल नहीं है तो कोई भी व्हाइट पेजेस ले लो बेटा, व्हाइट पेजेस, ठीक है, व्हाइट शीट के पेजेस ले लो, ब्रश ले लो, ठीक है, ब्रश, वाटर कलर, पोस्टर कलर, आपकी ड्राइंग फाइल, ठीक है, ये सब चीजें कलेक्ट कर लो बेटा। ओके, टेक अ 5 मिनट गैप बेटा, सारी चीजें कलेक्ट कर लो, आपकी ड्राइंग फाइल या व्हाइट व्हाइट शीट, इस तरह की व्हाइट शीट्स हो आपके पास कोई भी, दो व्हाइट शीट्स ले लो, ब्रश, वाटर कप, पोस्टर कलर्स, फेविकोल हो तो फेविकोल ले लो, पेंसिल, रबर, स्केल, ये सब चीजें कलेक्ट कर लो बेटा फटाफट। ठीक है एवरीबॉडी, सबने कलेक्ट कर लिया बच्चे? सबने कलेक्ट कर लिया सामान बच्चे? हाँ, व्हाइट शीट नहीं हो तो आपकी ड्राइंग फाइल होगी, ड्राइंग फाइल ले लो, ब्रश, पोस्टर कलर, पेंसिल, रबर, स्केल, ओके। ये सारी चीजें कलेक्ट कर लो बेटा, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट एक्टिविटी का क्लास में, ठीक है, उसके लिए जो सामान चाहिए हमको, उसकी तैयारी में से कुछ और ही अनाउंसमेंट करनी थी मुझे कि बेटा अभी 2 अक्टूबर को आ रहा है, गांधी जयंती आ रही है ना बच्चे, तो गांधी जयंती के लिए कुछ ना कुछ ड्रॉ करना, अच्छा सा, ठीक है, अच्छा सा पोस्टर या कोई ड्राइंग या फिर कार्ड भी बना सकते हो, या आपके लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी एक्टिविटी है, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को कंपल्सरीली ये एक्टिविटी करनी है कि आपको गांधी जयंती पर कुछ ना कुछ ड्राइंग बनानी है, कार्ड बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो अच्छे से स्लोगन के साथ में, ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी है कंपल्सरली, सारे स्टूडेंट्स को करनी ही है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर के लिए, ठीक है, और 2 अक्टूबर की नून तक यानी कि 1:30 बजे तक आप सब सबमिशन करोगे मेरे पास, पिक्चर्स बना के अपना हाथ में पिक्चर को पकड़ के फिर फोटो क्लिक करके या जो भी आपने बनाया उसको हाथ में पिक कर पकड़ के फोटो क्लिक करके यूनिफॉर्म के साथ, ऐसे नहीं, यूनिफॉर्म पहन के फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करोगे, ठीक है एवरीबॉडी। तो आज की एक्टिविटी के लिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको व्हाइट शीट्स लेनी है, इस तरह की व्हाइट शीट हो आपके पास वो भी चल जाएगी, ड्राइंग फाइल हो, ड्राइंग फाइल ले लो अपनी स्कूल की, पोस्टर कलर्स, ब्रश, वाटर कप, रफ क्लोथ, कलर मिक्सिंग पैलेट, स्केल, पेंसिल, रबर, ओके, ये सारी चीजें कलेक्ट कर लो सारे स्टूडेंट्स। यस चेरी, यस यस शिवराज, गुड मॉर्निंग सर। सर सारे स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दीजिए सर। यस एवरीबॉडी, चेरी, दीपिका, बेटा ओपन योर वीडियोस एवरीबॉडी, यशिका, तन्मय, मिष्टि, ओपन योर वीडियोस, अनम्यूट योर सेल्फ। यस चेरी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम बच्चे? गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, अरेंज द मटेरियल। सौरभ कहाँ गया? सौरभ का सिर्फ फैन दिख रहा है, सौरभ वेयर आर यू? ठीक है, आफ्टर 3 मिनट्स वी विल स्टार्ट द क्लास। यस सौरभ, फाइनली सौरभ ने हेयर कॉम नहीं किया आज प्रॉपरली, ऐसा लग ही नहीं रहा स्टूडेंट जैसा, ऐसा लग रहा वेकअप होके सीधे बैठ गया कैमरा के सामने। हाँ सौरभ, हेयर कॉम नहीं किया आपने? यस वेरी नाइस, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बनाया बेटा, वेरी नाइस। और किस किस ने क्या एक्टिविटीज बनाई है शोभी? यस दृष्टि,
वाओ वेरी नाइस। और किसी ने कुछ बनाया हो, एक्टिविटी बनाई हो तो प्लीज शो मी। चलो शैल वी स्टार्ट द क्लास। यस युवराज, रिदम, रिदम का बर्थडे है आज। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे बेटा, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ, मुझे बोला किसी ने मेरे बर्थडे है रिदम, टुडे इज योर बर्थडे बेटा? नो, देन किसका बर्थडे है? चलो जिसका भी बर्थडे है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। वी विल स्टार्ट द क्लास। मेरे ख्याल से सबने मटेरियल अरेंज कर लिया है। अभी भी 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक ले लो बेटा, सारा मटेरियल अरेंज करो, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स मूड में हो जाओ। ठीक है, अपनी शीट अरेंज करो, अरेंज योर शीट। नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है एवरीबॉडी, शीट ले लो या ड्राइंग फाइल ले लो बेटा। मैंने शीट ली है क्योंकि मेरे पास ड्राइंग फाइल नहीं है, इसलिए आप अपनी ड्राइंग फाइल जो स्कूल की है वो भी यूज कर सकते हो, कोई व्हाइट शीट हो आपके पास वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पेंसिल रबर स्केच वाले बॉर्डर बनाओ बेटा, मेकअप बॉर्डर, बॉर्डर बनाओ बेटा, फटाफट से अपनी ड्राइंग का बॉर्डर बनाओ, मेकअप बॉर्डर, स्केच पेन से भी बना सकते हो या फिर युवराज सिट प्रॉपरली बेटा, इतना कंफ्यूज क्यों हो? क्या कंफ्यूजन बेटा? अपना जो प्रॉब्लम है उसको टाइप करो बेटा, शेयर टाइप करके भेजो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। प्लीज महावीर सर, रवि सर, आप जो भी, प्लीज सारे स्टूडेंट्स को म्यूट कर दीजिए सर प्लीज। शेरी सिट प्रॉपरली बच्चे, बेटा आपकी क्लास रिकॉर्ड होती है और सारी आपकी एक्टिविटीज दिखती हैं कि आप किस तरह से बैठे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो क्लास में। आप भूल जाते हो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कोई लेट जाता है, कोई बिल्कुल ऊटपटांग तरीके से बैठ जाता है, ऐसे नहीं क्या करो बेटा। आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप सबकी एक्टिविटीज वॉच होती है कि आप किस तरह से बैठे हो। ओके चलो, आज का मेरा टॉपिक है कि जो हम जो बैकग्राउंड बनाते हैं अपनी सीनरीज में, बहुत से बच्चों का मैंने देखा है कि बच्चे सीनरीज में बैकग्राउंड बनाते हैं, उसमें ब्रश के पैचेस आते हैं, सारी चीजें आती हैं, तो ये बहुत रॉन्ग वे है। मैं एक प्रॉपर वे बताऊंगी कि किस तरीके से हमको अपने बैकग्राउंड किसी भी पेंटिंग का रेडी करना चाहिए पोस्टर कलर से। सबसे टफ वर्क होता है पोस्टर कलर या वाटर कलर से पेंटिंग करना। ठीक है, उसके बेसिक ट्रिक्स अगर हम सीख जाते हैं तो बाकी कलर से पेंटिंग करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, सबसे टफेस्ट होता है वाटर कलर से पेंटिंग करना, क्योंकि उसमें वाटर मिक्स करके करते हैं तो बहुत सारे एक्सीडेंटल स्ट्रोक्स उसमें बन जाते हैं, कभी पानी फैल जाता है, कभी ये हो जाता है। उसकी भी थीम होती है कि वाटर कलर में हमेशा पेंटिंग करते समय हमेशा लाइट टू डार्क पेंट किया जाता है, लाइट शेड सबसे पहले किया जाता है फिर डार्क शेड किया जाता है, जबकि ऑयल पेंटिंग में या एक्रेलिक पेंटिंग में पहले डार्क शेड किए जाते हैं उसके बाद लाइट शेड किए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक से बेटा रूल्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि अपना किसी भी पेंटिंग का बैकग्राउंड कैसे रेडी किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले स्केच पेन से किसी भी चीज से या पेंसिल से एक बॉर्डर बनाओ अपना, जो भी शीट है आपको अच्छा सा बॉर्डर बनाओ उसमें। ठीक है, मेकअप बॉर्डर, मैं स्केच पेन से बॉर्डर बना रही हूँ, बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, मोटा पतला जैसे भी। जैसे मैं लगभग 2 इंचेस का बना, 2 सेंटीमीटर्स का बना रही हूँ बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर बनाओ बच्चे, और नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए भी बता रही हूँ मैं कि नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको ये एमसील खरीदना है। ठीक है, ये पैकेट मिल जाता है बाजार में, किसी भी स्टेशनरी शॉप में बहुत इजिली मिल जाता है ये एमसील। बोलोगे एमसील जो होता है ये फिक्स, एमसील फिक्सर जो होता है ये। ठीक है, कंपाउंड होता है ये एक तरह का, जो प्लम्बिंग में यूज होता है, ये आपको खरीद के रखना है। और कोई भी आपके पास ग्लास का जार हो, जैम का जार हो, या फिर कोई भी बॉटल हो, कांच की बॉटल वो भी चलेगी, या प्लास्टिक का कप हो प्लेन वो भी चलेगा ये, और टेलकम पाउडर तो घर में सभी के होता है, ये सारी चीजें अरेंज करना है। एमसील,
ये 10 रुपीज वाला भी आता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है बेटा। तो अगर 10 रुपीज वाला आप ले रहे हो तो 2 पैकेट लेना, ठीक है, उस टेलकम पाउडर और कोई भी आपको जिसके ऊपर भी आपको ये वर्क करना हो, क्ले वाला वर्क। इससे कैसे पेंटिंग की जाती है मैं सिखाऊंगी। तो सबसे बेसिक चीज आपको क्ले कलेक्ट करना है, क्ले और टेलकम पाउडर तो घर में होता ही है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, सारी चीजें घर से मिल जाएंगी हमको। ओके, मेक अ बॉर्डर फास्ट। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स से हम फटाफट से पेंटिंग करके एक अच्छी सी सीनरी बना सकते हैं। देखिए कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, बैकग्राउंड कैसे रेडी करना चाहिए, ये मैंने बॉर्डर बना लिया। इसमें आप भी अपनी शीट में, ड्राइंग फाइल में भी कर सकते हो बेटा, आप बॉर्डर बना लो इसमें, मेकअप बॉर्डर। ठीक है जी, अब मैं सबसे पहले ले रही हूँ येलो कलर, मेरे ख्याल से येलो कलर सभी के पास होगा, येलो कलर ले लो, येलो कलर। ठीक है, व्हाइट कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, ओके, एंड रेड कलर। टेक दीज थ्री कलर्स, इन थ्री कलर्स को ले लो और अपनी शीट को किस तरह रखोगे, ठीक है, अपनी शीट को ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं रखोगे, लंबे में नहीं रखोगे, ऐसे ऐसे रखोगे वर्टिकली, ठीक है, जहां आप बैठे हो अपने फ्रंट में जो शीट रखोगे वो वर्टिकली रखोगे, ठीक है। ठीक है, शीट को इस तरह वर्टिकली रखो, वाटर कप रेडी करो, वाटर कप, ब्रश, अपने कलर्स को खोल लो। ठीक है, अब देखो जब वाटर कलर से पेंटिंग करते हो, बैकग्राउंड हमको रेडी करना है किसी भी सीनरी का बेटा, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, अगर शीट हमारे पास बहुत पतली है तो बहुत हल्का पानी, और हमारे पास आइवरी शीट है या कोई थोड़ी सी थिक शीट है हमारे पास, ड्रॉइंग पैल की शीट भी थोड़ी थिक होती है, तो उसमें हल्का पानी अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एकदम प्लेन साफ वाटर, एकदम क्लीन वाटर होना चाहिए। अगर आपका स्प्लैट ब्रश है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी चीज से या कॉटन से भी कर सकते हो। इस तरीके से हमको पहले उस पर वाटर अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल हल्के हल्के, अगर आपकी शीट पतली है तो बिल्कुल हल्के हल्का पानी लगाओगे आप। सबसे पहले हमको वाटर अप्लाई करना चाहिए उसमें, इस तरीके से लगभग लगभग हाफ शीट में इस तरह से वाटर को अप्लाई करो। ठीक है, वाटर अप्लाई किया, मैं सबसे पहले येलो कलर रही, तो मैं ब्रश को पहले क्या करूंगी, डिप करूंगी पानी में, फिर उसमें येलो कलर लगाऊंगी। मैंने ब्रश को पानी में डिप कर लिया, उसका पानी सोक भी नहीं किया है मैंने। ठीक है, ब्रश को पानी में डिप किया, उसमें अपना कलर लगाया येलो कलर। अब मैं ऐसे वर्टिकली ही इस तरीके से ही, इसमें ध्यान रखना कि आप स्ट्रोक ऐसा नहीं जाना चाहिए आपका, ना ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको फ्लॉन्ट करना चाहिए ब्रश, ऐसे हल्का हल्का फ्लॉन्ट करते करते आप नीचे की तरफ लेके आएंगे, उसमें वाटर कम हो जाए तो फिर से वाटर अप्लाई करो। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रोक पहले, सबसे पहले येलो कलर लगाया, अब मैं इसमें लगाऊंगी व्हाइट कलर। फिर से ब्रश को क्लीन करने के बाद हल्का सा डिप किया वाटर में, फिर मैं व्हाइट कलर में डिप करूंगी। ठीक है, अब मैं व्हाइट कलर अप्लाई करूंगी इसी तरीके से, यू, ठीक है, ऐसे अप्लाई करते करते नीचे की तरफ आएंगे, और उसके बाद जब हमारा ब्रश ड्राई हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है अभी। ठीक है, ब्रश को क्लीन करके, सोक करके, उसका जब हमारा ब्रश क्लीन हो जाएगा, उसके बाद ब्राइटनिंग करना है, जहां पे हमारा येलो कलर था और व्हाइट कलर था उसके बीच में हमको हल्का हल्का सा ऐसे ब्रश को हम चलाएंगे तो ब्लेंड हो जाएगा उसका कलर। ठीक है, ये हमारा ब्लेंड हो गया कलर। ओके, तो हम सीनरी बनाने के लिए बैकग्राउंड रेडी कर रहे हैं। ओके, कर लिया सबने ये, एवरीबॉडी अलग कुछ नहीं कर रही है आज, आप अलग, शुभम, शुभम भी कुछ नहीं कर रहा है, तन्मय, त्रिक्षा, अरुणव, ओपन योर वीडियोस एवरीबॉडी। पलक को क्या हो गया आज, हाँ पलक क्यों कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है? ठीक है,
तो ब्रश को चलाने का जो स्ट्रोक चलाने का तरीका होता है इसी तरीके से चलाना है, ना हमको हल्का सा तिरछा लेके जाना है इस तरफ न इस तरफ, बिल्कुल एक ही दिशा में फ्लॉन्ट करना है हमको। इस तरीके से फ्लॉन्ट करते करते नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे येलो और व्हाइट से हमने फ्लॉन्टिंग की है, इसमें दो दो शेड से फ्लॉन्टिंग की है। और जोर से रब नहीं करना बेटा उसको, जिसका अगर शीट जैसे मेरी शीट थोड़ी सी पतली है तो बहुत जोर से उसको हार्डली ब्रश को नहीं चलाना है। हार्डली ब्रश को चलाओगे बेटा तो क्या होगा, शीट या तो हमारी बेंड हो जाएगी, ठीक है, अनइवन सी हो जाएगी। बिल्कुल स्मूथली करो काम, स्मूथली, ठीक है। जब ये हमारा इतना टेक्सचर ये रेडी हो जाएगा, सूख जाएगा हल्का सा, फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। उसके लिए मेरे को रेड कलर दिया मैंने, ठीक है, रेड कलर, थोड़ा सा ब्लैक कलर, ब्लैक भी ले सकते हो, ब्लू भी ले सकते हो, मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ बेटा। ब्राउन कलर रेडी करना मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी फिर से बता देती हूँ कि जब भी हमको ब्राउन कलर बनाना हो तो पहले हमको रेड कलर लेना चाहिए, पहले हमको रेड कलर लेना चाहिए। जैसे मैंने एक ब्रश भर के रेड कलर लिया है, ठीक है, पहले हमको रेड कलर लेना चाहिए, ब्लैक बाद में लेना चाहिए। जैसे कि मैंने ये टू ब्रश भर के मैंने रेड कलर लिया है, उसमें मैं बिल्कुल टिप पे जो मेरा ब्रश का बिल्कुल टिप है सिर्फ उतना ही ब्लैक कलर मिक्स करूंगी मैं, और फिर हमको जितना डार्क करते जाना है अपने ब्राउन कलर को हम उतना उतना उसमें ब्लैक थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हैं, कभी भी एक साथ नहीं मिक्स करना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैंने ये थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया, बहुत थोड़ा सा, और उसको मिक्स कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा हमारा ब्राउन कलर रेडी। ये देखो ब्राउन कलर रेडी हो गया, ठीक है। अब वैसे करेंगे हम इसको, इसको नीचे रखेंगे, पहले ब्रश को क्लीन करेंगे अच्छे से। ब्रश को क्लीन करने के बाद पानी में डिप करेंगे उसको, पानी में डिप करने के बाद हम नीचे वाले बेस पे पानी लगाएंगे, जो हमने छोड़ दिया था आधा नीचे का हिस्सा जो छोड़ दिया था वहां पे वाटर अप्लाई करेंगे पहले वर्टिकली इस तरीके से। मैं बार बार कह रही हूँ पानी बहुत ज्यादा नहीं, शीट के अकॉर्डिंग लोगे आप, अपनी शीट के अकॉर्डिंग, आपकी शीट बहुत पतली है तो बहुत हल्का सा वाटर लेके अप्लाई करोगे, ठीक है। वाटर अप्लाई करने के बाद ब्रश को पानी में डिप किया, अपने कलर में डिप किया, आप ऊपर की तरफ इस तरीके से हम देखो फ्लॉन्ट करेंगे अपने ब्रश को, ऐसे करते करते हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। और जब हम ऊपर आ जाएंगे एक बार तो हम पीछे रिवर्स नहीं करना है, यहाँ तक एक बार हम आ गए नीचे से इस तरीके से कलर्स को ये करते करते ऊपर तक आ गए, फिर हमको यहाँ से वापस बैक यहाँ पे टच नहीं करना है, ठीक है, वापस नहीं आता। बच्चे के करते ऐसे करने के बाद फिर नीचे से मिक्स करके फिर ऊपर ले, ऐसे करके छोड़ दो, जहां पे छूट गया है कलर उसको छोड़ दो, बाद में टचिंग करेंगे, लेकिन बाद में नीचे से ऊपर की तरफ जाने के बाद रिवर्स नहीं करना है हमको, वापस नहीं आना है, ठीक है। अब ये दो कलर जो हमारे होगा यहाँ पे हल्का सा ब्रश को क्लीन करेंगे, एक साफ ब्रश में हल्का सा पानी लेके इसकी भी ब्लेंडिंग कर देंगे, और जहां जहां हमारा कलर छूट गया है यहाँ पे वहां पे छोटा ब्रश लेंगे, उसमें पानी लेके कलर लेके जो स्पेस हमारा रह गया है उसको फिल करेंगे, वो भी वर्टिकली। ब्रश को स्ट्रोक को चलाने का तरीका ध्यान रखो, हमेशा हम इसी डायरेक्शन में चलाएंगे, हमेशा डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ब्रश को इसी तरीके से चलाना है, जो हमारा ऐसा छूट गया था कहीं कॉर्नर्स हमारे रह गए थे वहां पर इस तरीके से टचिंग कर देंगे, ठीक है। अब ये दो कलर जहां मिक्स हो रहे हैं वहां पे हमको ब्रश को क्लीन करना है, हल्का सा पानी लेके वहां ब्लेंडिंग कर देंगे इसको, जोर से रब नहीं करना है, नहीं तो आपकी शीट जो है वो उसमें से पेपर के बारीक बारीक रेशे निकलने लगेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमको छोड़ देना चाहिए उसको सूखने के लिए, ठीक है। जिसने इतना कर लिया उसको शीट को उठा के अलग रख दो, इसको सूखने दो, ठीक है, इसको सूखने दो। जिसने इतना वर्क कंप्लीट कर लिया उसको शीट को उठा के अलग कर दो, इसको सूखने दो। अब दूसरी शीट लो, ठीक है। अब दूसरी शीट में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी चीज को हम कैसे शेडिंग से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत छोटी छोटी सी चीजें, जैसे किसी भी चीज में, फ्रूट में, वेजिटेबल में, किसी भी चीज में हमको एक शाइनिंग दिखानी होती है, तो शाइन वाला पार्ट हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, पेंसिल ले लो, पेंसिल से ड्रॉ करो। ठीक है, पेंसिल से ड्रॉ करो, इसको सूखने दो बेटा, ये जो हमने बना के रेडी किया इसको सूखने दो, बाकी जो हम इसमें वर्क करेंगे वो बाद में करेंगे। ओके, उसको किनारे कर दो, अलग रख दो उसको बेटा। इसमें भी चाहे तो आप बॉर्डर बनाओ, मेकअप बॉर्डर। ये वाला भी जो वर्क करोगे, जो सेकंड बता रही हूँ मैं, इसमें भी या साथ के साथ करोगे बच्चे। ठीक है, इसमें बॉर्डर बना लो पहले। और गांधी जयंती के लिए मुझे सब बच्चों की एक्टिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ कार्ड बना के स्लोगन लिखेंगे या कोई ड्राइंग बनाएंगे अच्छी सी, और अपना यूनिफॉर्म पहन के जो भी आपने चीज बनाई है, कार्ड ड्राइंग जो भी, उसको हाथ में लेके फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करोगे बेटा। मैं देख रही हूँ बच्चे धीरे धीरे बच्चे डम डल क्यों होते जा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आज चलो इस ईयर में थोड़ी सी पैंडेमिक के कारण सिचुएशन दूसरी है, हमारा पढ़ने का तरीका दूसरा है। ठीक है बेटा, आप एक्टिविटीज से या फिर पढ़ाई करने के तरीके से अगर आप बोर होने लगोगे ना बेटा, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए जब फुल फ्लैश में स्कूल रेडी होंगे, सारी चीजें होंगी, तो बहुत लॉस हो जाएगा आपका। अपनी एनर्जी को बूस्ट करके रखो, अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करके रखो। ये नहीं सोचो कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो सब चल जाएगा। नो, ये धीरे धीरे आप अपने अंदर की क्रिएशन को, अपनी एक्टिविटी को धीरे धीरे डाल कर रहे हो, ये नहीं करना है। चाहे स्कूल अभी खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, नेक्स्ट ईयर तो खुलेंगे फिर। ठीक है, ड्रॉ कर लिया सबने, बॉर्डर ड्रॉ कर लिया बेटा। पेंसिल उठाओ, पेंसिल रबर, टेक पेंसिल रबर। जिसने बैकग्राउंड रेडी कर लिया फर्स्ट वाली एक्टिविटी का, उसको साइड में कर दो। ठीक है, नहीं चलो सर्कल ड्रॉ करती हूँ, अब मैं इसको दिखाऊंगी कि किस तरीके से सिंपल से सर्कल को हम कलर करके किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। और दूसरा मेरी जो तीसरी एक्टिविटी है, फर्स्ट तो सीनरी का बैकग्राउंड हो गया, ये सीनरी का जो बैकग्राउंड, उसमें कलर का कॉम्बिनेशन हम अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो होते हैं वो लाइट कलर्स लेने चाहिए, नीचे से डार्क कलर लेने चाहिए अगर हम सीनरी बना रहे हैं तो। यहाँ पे ऑरेंज भी हो सकता है, स्काई ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, स्काई ब्लू के बाद व्हाइट अप्लाई करेंगे, या फिर हम ऑरेंज के बाद व्हाइट अप्लाई करेंगे, या येलो के बाद व्हाइट अप्लाई करेंगे, या पर्पल के बाद व्हाइट अप्लाई करेंगे। नीचे अगर हम जमीन दिखा रहे हैं तो जमीन के साथ हम ब्राउन के साथ ऑर्चर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स भी हमारे डार्क शेड रहेंगे और उसके अंदर की तरफ लाइट शेड रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब ये ही मैं दो सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, एक को मैं ट्रांसपेरेंट बताऊंगी कि ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे, उसको ट्रांसपेरेंट लुक देना तो कैसे बनाएंगे। आपको सर्कल नहीं बनाते बना तो कोई भी छोटी सी कटोरी ले लो बेटा, या कंपास ले लो, कंपास से ड्रॉ कर लो सर्कल। ठीक है, ये दो सर्कल, एक मैं सॉलिड बताऊंगी कि सॉलिड सर्कल को हम कलर करेंगे तो किस तरीके से कलर करेंगे, और हम एक ट्रांसपेरेंट लुक दे रहे हैं किसी चीज को तो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। कोई भी कैसा भी हो सकता है, ये ग्लास भी हो सकता है, ये ग्लास फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सर्किल फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैंडल फॉर्म में हो सकता है, आइसक्रीम कप के फॉर्म में हो सकता है। ये ट्रांसपेरेंट जो हम बनाएंगे, ठीक है, इसको सॉलिड फॉर्म में बनाएंगे। ओके, तो इसको कैसे शेड करना है, देखो कोई भी कलर आप ले रहे हो, जैसे कि मान लो चलो मैंने रेड कलर लिया, तो मैं इसको शेडिंग कर रही हूँ रेड के, मुझे पहले थ्री शेड रेडी करना होगा। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम शेडिंग करते हैं कोई भी कलर से, तो हम बेसिक जो चीज सोचते हैं, जो जैसे मैंने रेड कलर, तो रेड के थ्री शेड रेडी करेंगे। रेड तो बेसिक रेड कलर है, उसका सबसे डार्केस्ट शेड कौन सा होगा, ब्राउन कलर, रेड कलर, और सबसे लास्ट वाला इज पिंक कलर। ठीक है, जैसे शेडिंग का सबसे पहला रूल क्या होता है, डार्क टोन, मिडिल टोन एंड लाइट टोन होता है ना। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट सीधे कलर से भी कर सकते हैं बिना किसी और कलर को अप्लाई किए। मैं दोनों तरीके से बताती हूँ। एक तरीका वो होगा जिसमें हम कोई और कलर की मिक्सिंग नहीं करेंगे, सिर्फ रेड कलर को ही हम अलग अलग तरीके से अप्लाई करके अपनी चीज को सॉलिड फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने रेड कलर लिया, सबसे पहले फर्स्ट वे देखो,
कि किस तरह से हमको अप्लाई करना चाहिए। जैसे सर्किल है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट डिसाइड कर लो कि हमारा कहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट इधर से है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से, तो हमारा ये पोर्शन डार्क होगा, इसको सबसे पहले डार्क कर दो इस तरीके से, लगभग लगभग 1/4 पोर्शन उसका। और जिस डायरेक्शन में सर्कल चेंज टर्न हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा ब्रश का स्ट्रोक भी चेंज होगा, टर्न होगा, इस तरीके से इसको टर्न करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पोर्शन सबसे ज्यादा डार्क होगा इस तरीके से, ओके। इसका लगभग सर्किल का 1/4 पार्ट। अब ब्रश को हल्का सा क्लीन करो, ब्रश को क्लीन करो, उसमें हल्का सा वाटर रहने दो। अब अपनी ड्राइंग को इस तरफ टर्न करो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ ब्रश को जो गीला किया है तो उसको हल्का हल्का से तुम इसके ऊपर ब्रश में पानी लगा के इस तरीके से इसको टर्न टच करोगे ना इस तरीके से, तो ये अपने आप फैलेगा कलर, और उसको इसी डायरेक्शन में घुमाते घुमाते हमको ऊपर की तरफ लेके आना है, इसी तरह घुमाते घुमाते, सॉरी, इसी तरह ब्रश को उसी घुमाते हुए हमको ऊपर की तरफ आना है। फिर इसमें भी हमको रिवर्स लेना है, रिवर्स टर्न नहीं लेना है, और इसी को आगे इस तरह से कंटिन्यू करके यूं, और हम इस तरह टर्न कर देंगे। इस पोर्शन को भी हम टच नहीं करेंगे, यहाँ पे इस पोर्शन को टच नहीं करेंगे, इसको जूम करके दिखाती हूं मैं। ठीक है, इसमें मैंने और कोई कलर नहीं किया, सिर्फ रेड कलर मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। 1/4 पोर्शन में रेड कलर लगाया था, ब्रश को क्लीन करने के बाद उसमें हल्का सा पानी लेके मैंने रेड कलर के जो कॉर्नर वाले सब इसमें टच किया, इस तरीके से हम ब्रश को ऐसे घुमाते हुए ऊपर की तरफ यहाँ तक आएंगे, और फिर यहाँ से हल्का सा ब्रश को यूं की तरफ ऐसे टर्न करके वापस इसमें जोड़ देंगे। और जैसे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फिनिशिंग में कमी दिख रही है, तो मैं इसको हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी इस तरीके से, बिल्कुल लाइटली, बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है। उसके बाद जो भी हमें टचिंग का वर्क करना है, ब्रश को क्लीन करने के बाद ही करना है, ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। कहीं पे हमको दिख रहा है कि कलर की फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है, तो ब्रश को क्लीन करोगे, उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, फिर उसको टच करोगे। अब ब्रश को फिर से अच्छे से क्लीन करेंगे, बिल्कुल साफ कर लेंगे, उसको हल्का सा पानी लेंगे उसमें। अब जो ये कलर है उसको फैलाएंगे थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल हल्का हल्का सा, इस तरफ से इस तरीके से इसको फैलाएंगे हल्का हल्का सा, बिल्कुल पानी से, कलर नहीं अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। ये कर दिया, ओके। अब क्या इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको जैसे मैं डार्क करूंगी तो ये अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। इसको डार्क करने के लिए आप ब्लैक कलर भी ले सकते हो, वैसे ब्लैक कलर में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, आप ब्राउन कलर ही अप्लाई करो। जो सर्किल वाला पोर्शन है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लो बिल्कुल लाइटली। स्केचिंग का काम जो है हमेशा बहुत लाइटली, जो कुछ शेड यहाँ से पड़ रहा है उसका शेडो इस तरफ पड़ेगा, इसका शेडो किस तरह पड़ेगा, इस तरह इस तरीके से यू शेप में बिल्कुल लाइटली पेंसिल से ड्रॉ करोगे आप, बिल्कुल लाइटली पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ करो, ऐसे हल्का सा, मैं पास से दिखाती हूँ, इस तरीके से सर्किल के नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है, जैसे यू शेप होता इस तरह ड्रॉ करो। ब्रश में ब्राउन कलर लगा के देखो किस तरह से ब्रश को चलाना है। अब आप सोचोगे कि ब्रश को इस तरह नहीं चलाना है गोल गोल घुमा के, बिल्कुल फ्लैट सीधा, जैसे हमने इसमें सीनरी में किया था, इस तरह से ब्रश को हमने चलाया था, हमको इस तरह चलाना है ब्रश को। यहाँ पे कलर लगाएंगे हम, यहाँ पे कॉर्नर पे डार्क कलर, बिल्कुल नीचे वाली लाइन को टच करते हुए इस तरीके से डार्क कलर अप्लाई करेंगे इसमें, यू जो हमारा यू शेप बना लगभग उसके 1/4 पार्ट में हम डार्क कलर अप्लाई करेंगे इस तरीके से, इस तरह डार्क कलर लगाएंगे यू सर्किल के नीचे तक, ठीक है। और उसके बाद हम ब्रश को क्लीन करेंगे, ये करने के बाद हम ब्रश को क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद हमको इस तरह से ब्रश को चलाना है इस तरीके से, इस तरीके से चलाओ। देखो कॉर्नर तक टच नहीं करना, कॉर्नर तक टच नहीं करना, जो बीच में हमारे दो कलर्स के बीच में जो लाइन बन गई इसको ब्लेंड करेंगे, और जो हमारा शेप है उस शेप तक ले जाएंगे। और शेप में मैंने बताया कलर इस तरीके से नहीं करना है, इस तरह करना है, वर्टिकली करना है, इस तरह से ब्लेंडिंग करते करते अपने लास्ट कॉर्नर तक जाओ, इस तरह बीच के कलर को मिक्स करो,
ठीक है, ये देखो इसको मैं थोड़ा सा ये देखो, अब ऐसा लग रहा है ना कि सॉलिड सा, ठीक है। इसको और हाईलाइट करने के लिए हम थोड़ा सा ब्लैक कलर भी चाहे तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत संभाल के, ठीक है। अगर ब्लैक कलर हम यूज कर रहे हैं तो हमको इस वाले पोर्शन पर लगाना है, इस वाले पोर्शन बिल्कुल हल्के से, वो कलर बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमारे सर्किल का जो नीचे वाला हिस्सा है या हमारा कोई भी शेप है, कोई भी शेप है उसमें हिस्से में बिल्कुल कॉर्नर पे लगाएंगे। और नीचे वाली, हाँ, सर्किल के ऊपर तक नहीं जाना, यहाँ तक नहीं जाना, सिर्फ नीचे वाले पोर्शन में। और इस तरह से लाइन्स को इस तरह फ्रंट करेंगे, इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। पानी लेके, हल्का सा पानी लेके, और हमको यू इसको कलर को फैला देंगे इस तरीके से वर्टिकली। और एक बार हमारे ब्रश का स्ट्रोक यहाँ तक जाने के बाद वापस हमको यहाँ टच नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है, यू छोड़ देंगे। ये मैंने सिर्फ सिंपल रेड कलर से किया है, ठीक है। ये ब्राउन कलर और ब्लैक कलर की मिसिंग की क्या, तो ऐसा लग रहा है कि कोई सॉलिड सर्कल है, सिंपल से सर्कल को हमने कलर से शेड करके कैसे अट्रेक्टिव लुक दे दिया, उसको 3D लुक दे दिया ना बेटा। आया समझ में सबको, किस किस को समझ में आए बच्चे, आए एकदम, कहाँ डाउट है बच्चे, आए समझ में, ओके। कि किसी भी सिंपल सी चीज को हम कैसे 3D लुक दे सकते हैं, समझ में आ गया सबको बेटा, एवरीबॉडी इसको ट्राई। हाँ वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस यशिका, गुड बैकग्राउंड विदुषी। विदुषी क्या कर रही बच्चे, ठीक है। इस तरह सिंपल सी ड्राइंग को किस तरह 3D लुक दे सकते हैं वॉटर कलर से शेडिंग करके, ये मैंने बताया आपको। अब देखो ट्रांसपेरेंट दिखाना है किसी चीज को, किसी भी चीज को हमको ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको सबसे पहले माइंड में एक चीज रखनी चाहिए कि जो भी चीज ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है मतलब उसके बैकग्राउंड में जो भी चीजें हैं आसपास उसकी चीजें, उनका जो भी कलर है वो उसके बैकग्राउंड पे रहेगा। हमारी जो भी चीज ऑब्जेक्ट, चाहे वो ग्लास हो या कोई वास हो ग्लास का, कोई भी चीज हो, वो जहां रखी है उसके आजू बाजू किस किस तरह के कलर की चीजें रखी है, पहले हमको बैकग्राउंड में वो कलर्स डालने होंगे, ठीक है। उसके ऊपर से हमको ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करना, तो हमको क्या करना चाहिए कि हम जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, चाहे कोई वास बना रहे हैं या कोई ग्लास बना रहे हैं या कोई भी चीज, मैं सिंपल से सर्कल में बता रही हूँ आपको, तो हमको क्या करना चाहिए कि हम बैकग्राउंड देखें पहले कि हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, जो भी चीज रखी है, उसके बैकग्राउंड में कौन कौन से कलर्स है आसपास, जो चीजें उसके आसपास रखे हुए जो भी कलर्स होंगे उसको पहले हम बैकग्राउंड में अप्लाई करेंगे, पहले अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ कर देंगे लाइटली पेंसिल से, और उसके बैकग्राउंड में वो कलर्स डाल देंगे हम जो उस ऑब्जेक्ट के आसपास रखे हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है। बाय चांस मैं इमेजिन कर रही हूँ खाली कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे हल्का सा ग्रीन कलर है, ठीक है, हल्का सा ग्रीन कलर है, येलो कलर है, थोड़ा सा ब्लू कलर है, ठीक है, ऐसी चीजें कुछ रखी, या फिर सिर्फ ब्राउन कलर की चीज रखी है, और ये सब आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपली आप ग्रे कलर रेडी करोगे। कौन सा कलर रेडी करेंगे हम, ग्रे कलर। और ग्रे कलर कैसे बनाते हैं बेटा, ग्रे कलर बनाने के लिए हमको क्या लेना है, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर। हमेशा किसी भी दो कलर में मिक्सिंग करने के लिए हमको पहले लाइट शेड लेना चाहिए, बाद में डार्क शेड लेना चाहिए, क्योंकि एक बार डार्क शेड हो गया ज्यादा फिर हमको ज्यादा क्वांटिटी में उसमें लाइट शेड मिक्स करना पड़ता है हमको सही कलर बनाने के लिए, इसलिए पहले हमको लाइट कलर लेना चाहिए। जैसे कि मैं वन ब्रश मैंने क्या लिया, व्हाइट कलर, इसमें बिल्कुल टिप में, बिल्कुल टिप में मैं क्या लूंगी, ब्लैक कलर। कभी भी हम ब्रश को किसी दूसरे कलर में डालें, ब्रश को क्लीन करो पहले, क्लीन करने के बाद उसको साफ करके रफ क्लोथ से, और बिल्कुल टिप में देखो, बिल्कुल टिप में ब्लैक कलर लूंगी मैं। कभी एक्सेस हो जाए तो उसको निकाल दो, रिमूव कर दो एक्सेस कलर को, देखो जैसे मेरे पास एक्सेस कलर है, सॉरी इसमें एक्सेस कलर हो गया, थोड़ा सा हाफ ब्रश करीब हो गया है, इसलिए मैं बहुत संभाल के इसमें ब्रश की खाली टिप में, खाली टिप में ब्लैक कलर ले रही हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने लगभग वन फोर्थ ब्लैक कलर लिया, फुल ब्रश भर के मैंने व्हाइट लिया था 1/4। अब इसको मैं मिक्स करूंगी इसमें व्हाइट कलर में, ये कलर कैसा कलर रेडी हो गया हमारा, ग्रे कलर रेडी हो गया। ये देखो हो गया ग्रे कलर रेडी, ठीक है। अब हमको डार्क ग्रे करना है तो उसमें थोड़ा सा ब्लैक और मिक्स कर देंगे, ग्रे के भी कई शेड होते हैं, ये तो ग्रे कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया। इसको एक होता है ब्लूइश ग्रे कलर, एक होता है डार्क ग्रे कलर, इसको ब्लूइश ग्रे कलर बनाना है उसमें हल्का सा ब्लू कलर मिक्स करेंगे। ये देखो दो तरह से बता देती हूँ, इस ग्रे कलर को हमको अगर
ब्लूइश ग्रे बनाना है तो हमने जितना भी कलर लिया है क्वांटिटी में उसमें नेक्स्ट जो कलर हम ब्लू कलर लेंगे बहुत थोड़ा सा टिप में, जैसे मैं ब्लैक्स की मिक्सिंग की थी, जैसे वन ब्रश हमारा ग्रे कलर है तो हम बिल्कुल टिप में थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स करेंगे उसमें, ये देखो ठीक है, तो हमारा ब्लूइश ग्रे कलर रेडी हो जाएगा। ये हो गया हमारा ब्लूइश ग्रे कलर, ये ग्रे कलर और ये ब्लूइश ग्रे कलर, ठीक है। तो किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हमको बनाने के लिए बेसिक जो कलर सही होते हैं ब्लूइश ग्रे कलर व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारा ये डार्क वाला ब्लूइश ग्रे कलर है ना, इसको पहले हम अपने ऑब्जेक्ट के आजू बाजू अपने ब्रश में कलर लगाया, इस तरीके से, इस तरह से कलर लगाया, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बैकग्राउंड में इसको भी वर्टिकली करना है आपको इस तरीके से, ब्रश के स्ट्रोक्स का खास तौर पर ध्यान। हमेशा बेटा ब्रश का जब आप सेट खरीदो ना, एक फ्लैट ब्रश, ठीक है, फ्लैट ब्रश जरूर रखा करो बेटे में साथ में, 6 to 8 नंबर का फ्लैट ब्रश। इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में ग्रे कलर पहले अप्लाई कर देंगे, पहले अपना ग्रे कलर अप्लाई करके इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में ग्रे कलर अप्लाई करके छोड़ देंगे, सूखने देंगे इसको, ठीक है। ये ग्लास में भी बता देती हूँ, उसको बैकग्राउंड में ग्रे कलर अप्लाई करके इस तरीके से छोड़ देंगे। साइड में ब्रश के स्ट्रोक्स दिख रहे हैं तो दिखने दो, उसमें चाहते हो आप कि कोई दूसरे कलर का हल्का सा शेडिंग या टेक्सचर दिखे तो वो भी कर सकते हो आप, हल्का हल्का सा टेक्सचर डाल सकते हो उसमें आप। ब्रश को चलाने का तरीका यही रहेगा, ब्रश को अप्लाई करने का तरीका, कलर को अप्लाई करने का तरीका यही रहेगा। अपने स्ट्रोक्स चेंज नहीं करोगे कि आप कभी इस तरीके से ब्रश चलाओगे, कभी ऐसे चलाओगे, नो, इस तरीके से आप और भी कलर्स डाल सकते हो उसमें। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड रेडी होगा। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए पड़ेगा लाइट ग्रे कलर, उसको सूखने देते हैं, ठीक है। आपको ये वाला समझ में आ गया, वाटर कलर में क्या होता है बेटा, जब भी हम बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करते हैं उसके बाद हमको थोड़ा सा वेट करके उसको सूखने देना होता है। इसको हम सूखने देते हैं इतना अप्लाई करने के बाद। अब हम उठाते हैं अपनी फर्स्ट शीट, ये वाली शीट, ठीक है, इसको सूखने देते हैं, ये सूख जाएगा पहले, उसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया बेटा सबको। कृतिका, कृतिका कुछ नहीं कर रही है, किस किस ने किया मुझे शो में बच्चे? यस रिदम, रिदम जो ब्राउन कलर उसको और ब्लेंड करो बेटा, मिक्सिंग करो ब्राउन कलर की ऊपर की तरफ। यस आर्यन, शो में बेटा किस किस ने बनाया शो में? यस दृष्टि, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और किस किसने बनाया? वन मिनट, यस। और किसने बनाया बेटा? चलो, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया रेडी, ड्राई हो गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हम कोई भी सीनरी बना सकते हैं, जैसी भी चाहे कोई चीज बना सकते हैं, या कोई भी सीनरी हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। इवन इसके ऊपर कोई ट्रेडिशनल पेंटिंग भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हमारा बैकग्राउंड रेडी हो गया। अगर आपको डायरेक्ट ब्रश से बनाने में प्रॉब्लम हो तो पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लो उस चीज को बिल्कुल लाइटली, पेंसिल से कभी भी स्केचिंग करते हो तो बहुत ही लाइटली करना चाहिए बेटा, ठीक है। अभी मैंने बैकग्राउंड रेडी कर लिया है, बैकग्राउंड रेडी करने के बाद हम सीनरी बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। सिंपल सिंपल पहले सिखाती हूँ बेटा, इजिली आप लोगों से बन जाए, ठीक है, पहले इजी वे देखते हैं। जैसे कि मान लो सीनरी है, इसमें उस ट्री बना रहे थे, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी आपको, उसमें भी अपन अपने टेक्सचर पेंटिंग वाला अपना ट्रिक यूज करेंगे। ट्री बनाने के लिए क्या होता है बेटा, हमेशा तना जो है उसका नीचे का जो ट्रंक वाला पोर्शन है नीचे की तरफ मोटा रहता है, और जब हम पेड़ बनाते हैं ना बेटा, कोई भी ट्री बनाते हैं तो हम जितनी भी जगह पे ट्री बना रहे हैं उसके लगभग हाफ पोर्शन तक उसका स्टेम वाला सेक्शन रहता है जहां तक उसका तना रहेगा, और बाकी जो ऊपर वाला सेक्शन रहता है उसकी ब्रांचेस के लिए रहता है, ठीक है। आप अक्सर क्या करते हो, इसका जो स्टेम वाला सेक्शन है वो बहुत बड़ा कर देते हो, ऊपर लीव्स के लिए सेक्शन बचता ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमारी ये शीट है, जैसे इतनी बड़ी शीट में हमको पेड़ बनाना है पूरा ऊपर तक, तो हम लगभग हाफ तक उसका ट्रंक लेंगे। इसको बिल्कुल लाइटली पेंसिल से हल्का सा मार्क कर लो, ठीक है, मार्किंग कर ली। ये नीचे वाला पोर्शन हमारा स्टेम के लिए रहेगा, ऊपर वाला सेक्शन हमारा लीव्स के रहेगा। इसको हल्का सा ड्रॉ कर लो यूं, इस तरीके से पेंसिल से, ट्रंक ऊपर की तरफ पतला नीचे की तरफ चौड़ा होता है,
इसको जूम कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, जब तक ये ड्रॉ कर रही हूँ मैं जूम करके दिखा देती हूँ बेटा। ये देखो जब हम ट्रंक ड्रॉ करते हैं तो नीचे वाला हिस्सा चौड़ा ऊपर जाके ये से हाफ सेक्शन तक जाते जाते ये पतला हो जाएगा, मतलब इस लेंथ का जस्ट हाफ, जितना नीचे हमने चौड़ा रखा है इसका बिल्कुल हाफ हो जाएगा यहाँ तक जाते जाते। ठीक है, अब इसके ब्रांचेस को अपने अकॉर्डिंग जहां भी चाहे स्प्लिट कर दो, चाहे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, जहां भी आपको ब्रांचेस को अपने ले आनी। तो ये जो लाइन हमारी गई है टू लाइन्स, एक को इस डायरेक्शन में और एक को इस डायरेक्शन में इसको फैला दो। ठीक है, जो बीच वाला सेक्शन है इसमें यू शेप बनाओ, इस तरीके से यू शेप बनाओगे कि ये ऊपर ही दो पार्ट में डिवाइड होंगे सेक्शन, ये सेक्शन ये सेक्शन, इसको दो ऐसे वी शेप में लाइन बना लो, यू ये चौड़ाई और ये चौड़ाई एक सी होनी चाहिए। इसके बाद आगे जाके ये भी पतली हो जाएगी, ये भी पतली हो जाएगी और ये आगे जाके जैसे जैसे आगे जाती जाएगी ये भी पतली हो जाएगी, बिल्कुल पतली। ये काम आप पेंसिल से करोगे, मैं स्टेम्स बना के उसका टेक्सचर पेंटिंग करी इसको। ठीक है, इसमें से आप जो भी ब्रांच निकालोगे, हर स्टेम में से आप जो ब्रांच निकालोगे वो उससे पतली होनी चाहिए। इस ब्रांच में से जो ब्रांच निकलेगी वो इससे पतली होगी, इस ब्रांच से जो ब्रांच निकलेगी वो इससे पतली होगी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे जो ब्रांच निकलेगी वो इससे पतली होगी। अब हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कितनी भी वन ब्रांचेस इसमें से निकाल सकते हैं। जिसमें से ब्रांच निकली वो इससे पतली, जिसमें से निकलेगी वो इससे पतली होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा मत बनाओ, सिंपल, क्योंकि बाकी हम टेक्सचर पेंटिंग से इसके ऊपर इस तरीके से बहुत ज्यादा ब्रांचेस बनाने की जरूरत नहीं है ये। ठीक है, बस इतना काफी है, इतना काफी है। ठीक है, ये बना के छोड़ो, बाकी जो लीव्स हम बनाएंगे सिंपल ट्रिक्स से बनाएंगे। इसमें लीव्स बनाने के लिए हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यस, किसको डाउट है बेटा? लीव्स बनाने के लिए हमको लीव्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ब्रश से बनाएंगे इसमें। ठीक है, और जिसको ब्रश से भी प्रॉब्लम होती है और भी सिंपल ट्रिक बता देती हूँ मैं। रितिका, कृतिका बेटा सिट प्रॉपरली बेटा, दिस इज नॉट द राइट वे टू सिट बेटा, सिट प्रॉपरली रितिका, सिट प्रॉपरली। पलक, कोई कलर नहीं है तेरे पास? हाँ, कोई शीट, कोई कलर नहीं, क्या हो गया पलक? तो सारे एक्टिविटी स्टूडेंट्स और सब डंप होते जा रहे धीरे धीरे, ये बहुत गलत चीज है। ये मैं अपने खाली अपने सब्जेक्ट के लिए बात नहीं कर रही हूँ, खाली चेरी मुझे दिखती है प्रॉपर फॉर्म में, तो चेरी हम स्कूल में इस तरीके से बाल खोल के नहीं आते हैं। यस, अच्छे से कोम करके बढ़िया सी चोटी बना के सी जैसी चेरी स्कूल में आती है। आप लोग सब बच्चे यूनिफॉर्म में क्यों नहीं बैठते हो बेटा? यूनिफॉर्म पहना करो, आपकी यूनिफॉर्म यूज कब होगी फिर? अच्छे से यूनिफॉर्म पहन के प्रॉपर वे में सिट करके बैठा करो जैसे चेरी बैठती है। सौरभ कहाँ चला गया? सौरभ, वेयर आर यू? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन क्या होता है बेटा, आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, सारे टीचर्स प्रिंसिपल मैम डायरेक्टर सर सब आपको देखते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता बेटा कि स्टूडेंट्स किस तरीके से बैठे हुए हैं ना, बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है ये। इसलिए चलो ड्रॉ कर लिया बेटा सबने, फ्री ड्रॉ कर लिया एवरीबॉडी। सौरभ, शो मी योर ड्राइंग, नहीं ड्रॉ किया अभी? यस, ओके, ठीक है। अब जो अपना ब्राउन कलर रेडी किया था, फटाफट से अपना ब्राउन कलर निकाल लो। ब्राउन कलर जो रेडी किया था, जिसने नहीं बनाया ब्राउन कलर बनाओ फटाफट से। कैसे बनेगा ब्राउन कलर? रेड कलर लेंगे, वन ब्रश रेड कलर में, टिप में ब्लैक कलर लेके हम ब्राउन कलर रेडी करेंगे अपना। वन ब्रश रेड कलर में, टिप में ब्लैक कलर मिक्स करेंगे और ये हो गया हमारा ब्राउन कलर रेडी। देखो मेरा डार्क ब्राउन बन गया बहुत ज्यादा, थोड़ा सा भी डार्क कलर ज्यादा होता है तो हमको फिर बहुत एक्सेस क्वांटिटी में हमें लाइट कलर मिक्सिंग करनी होती है और वो वेस्ट ऑफ कलर होता है, इसलिए बी केयरफुल अबाउट दिस। ये ब्राउन कलर अब हम लोग प्लेन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो हमने बनाई है ट्री, अगर आपको ब्रश से नहीं करते बनता तो आप ब्राउन स्केच पेन से पहले आउटलाइन कर सकते हो। ब्राउन वैसे ब्रश से करना सीखो बेटा, डायरेक्ट ब्रश से, पतला ब्रश ले लो कोई भी, या पतला ब्रश नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, अपना जो ब्रश है उसमें कलर लगाने के बाद अच्छे से टिप बनानी चाहिए उसमें। मैंने पहले भी सिखाया था आपको कि आप जितना कम प्रेस करेंगे
अपने ब्रश को उतनी ही पतली लाइन बनेगी, ठीक है। इस तरीके से फटाफट अपने स्टैम्प को जो हमने ट्री का बेस रेडी किया उसमें कलर कर लेंगे। और कलर करते समय बेटा एक ट्रिक जो आप हमेशा भूलते हो, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ कलरिंग करनी चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे कलर करते उसके बाद हमारा हार्ड टच हो जाता है इस तरीके से, तो कलर हमारा कहीं पे भी लग जाता है। इसलिए पहले ऊपर की तरफ, ऊपर की कलरिंग का काम फिनिश करना चाहिए, फिर नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। ऊपर की कलरिंग का वर्क पहले फिनिश करना चाहिए हमको, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आना चाहिए इस तरीके से। इसको ब्राउन कलर से कर लो, इस टाइम रेडी कर लो। इस तरीके से जितना लाइटली टच करोगे ब्रश को उतनी पतली लाइन बनेगी, और जितना जोर से ब्रश करोगे, टच प्रेस करोगे ब्रश को उतनी मोटी लाइन बनेगी। हम डायरेक्ट ब्रश से भी इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से पूरा पेंट कर लो। ठीक है, इसको कर लो बेटा, फिर मैं दूसरा वाला ट्रांसपेरेंट वाला आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आपको एमसील चाहिए होगी। एमसील इजीली मिल जाती है किसी भी स्टेशनरी शॉप पे, 10 रुपीज वाली भी आती है, 20 रुपीज वाली भी आती है। 20 रुपीज वाली लोगे तो 1 लेना है ओनली, 10 रुपीज वाले लोगों तो 2 लेना। टेलकम पाउडर आपके पास रहता है, टेलकम पाउडर रेडी रखोगे, और कोई भी ग्लास का कोई भी जार हो, पुराना कांच का ग्लास हो, या फिर सॉस की बॉटल हो, या फिर प्लास्टिक बॉटल हो, उस पर भी चल जाएगा। उस पर हम करेंगे क्लिप पेंटिंग, इसे करेंगे हम एमसील से। इस तरह से उसको फिनिशिंग दे देंगे नीचे तक, ठीक है। ये टंग वाला पोर्शन यहाँ पे एंड करने के बाद हम उसको इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से हमको करने के बाद पीछे के हल्का सा वी शेप और निकालेंगे हम, इस तरीके से एक वी शेप उसमें और देंगे ताकि ये स्टेम जैसा लगे, रूट्स जैसा इस तरीके से लगे, ठीक है। ये करके छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड और हमारा ट्री रेडी। अब इसमें लीफ का टेक्सचर बनाएंगे। हम जो भी कलर की लीफ बनाना चाहते हैं इसमें, चाहे रेड कलर की लीफ बना सकते हैं, ऑरेंज कलर की लीफ बना सकते हैं, ब्लू कलर की लीफ बना सकते हैं, बहुत सारे कलर मिक्स करके ही बना सकते हैं, ठीक है। मैं इस वाले सेक्शन में सिर्फ ग्रीन कलर से बताऊंगी, इस तरफ वाले में मल्टी कलर से बताऊंगी, ठीक है। इस तरफ वाले पहले ग्रीन कलर से बता दूंगी। वैसे मैं ग्रीन कलर के लिए हमको 2 शेड लेने होंगे, ग्रीन के एक डार्क कलर, डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन, ठीक है। अगर आपके पास 2 शेड नहीं है, सिर्फ एक ही ग्रीन कलर है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि ग्रीन में व्हाइट मिक्स करके या येलो मिक्स करके हम उसका लाइट शेड बना सकते हैं। जो खाली बेसिक ग्रीन कलर है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही ग्रीन कलर है, तो उस ग्रीन कलर में इक्वल क्वांटिटी में 1 ब्रश अगर ग्रीन है तो 1 ब्रश येलो, या 1 ब्रश ग्रीन है तो 1 ब्रश व्हाइट मिक्स करके हम ग्रीन का लाइट शेड बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाइट शेड अप्लाई करेंगे। देखो जैसे कि मैंने ब्रश लिया, ये मेरा राउंड ब्रश है, ठीक है। राउंड ब्रश से 6 नंबर को अच्छे से क्लीन कर लूंगी मैं। क्लीन करने के बाद उसमें जो कलर लगाया, जो ब्रश के जो पूरे ब्रिसल्स हैं, पूरे ब्रश है ना, उसमें पूरे में कलर लग जाना चाहिए, ठीक है। जब पूरे ब्रिसल में इस तरीके से कलर लग जाएगा, तो उसको हल्का सा टिप से ऐसे फैलाएंगे उसको, इस तरीके से, इस तरीके से हल्का सा फैलाएंगे उसको, ठीक है। थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो ऐसे जोर से प्रेस करके ऐसे छोड़ते जाना है इस तरीके से, ऐसे कैसे भी कर सकते हो आप, इस तरीके से करते जाओ उसको, यूं कलर खत्म हो जाए तो फिर से लगा लो, ठीक है। कलर खत्म हो जाएगा तो फिर से लगाएंगे कलर। वैसे डिप किया हमने कलर में अच्छे से, उसको ब्रश को गीला किया पहले, कलर में डिप किया, ठीक है। पूरे ब्रिसल्स में कलर को अप्लाई किया अच्छे तरीके से, हल्का सा फैलाया उसको फिंगर टिप पे ऐसे, और फिर यूं अप्लाई कर। ये भी एक बहुत इजी तरीका है, फटाफट से लीव्स बन जाती है। बहुत से बच्चे ईयरबड्स से बनाते हैं, ईयरबड्स से भी बन जाती है, लेकिन डायरेक्ट ब्रश से बनाओ बड़े बड़े पत्ते। ये बन गए, ठीक है। इसके बाद हम ब्रश को क्लीन करने के बाद डार्क कलर से करेंगे, ब्रश को क्लीन करेंगे उस तरीके से, अच्छी तरीके से
उसमें कलर अप्लाई करेंगे, डार्क ग्रीन कलर पूरे ब्रिसल्स में लग जाना चाहिए अच्छी तरीके से। उसको यूं फ्लैट करेंगे, थोड़ा सा फ्लैट करेंगे उसको, और फिर जहां जहां हमें डार्क कलर की पत्ती बनाएंगे उसके बीच बीच में से हल्का हल्का सा, ताकि हमारी लाइट कलर की लीव्स भी दिखती रहे और डार्क कलर की लीव्स भी दिखे। लाइट कलर की लीव्स के बीच बीच में से कहीं कहीं या हाफ लीफ के ऊपर इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे डार्क ग्रीन कलर। ठीक है, कलर खत्म हो जाएगा तो फिर से हम ब्रश को पानी में डालेंगे, हल्का सा वाटर लेंगे, कलर में डिप करेंगे उसको। पूरे ब्रिसल में कलर अप्लाई करने के बाद हल्का सा प्रेस करेंगे उसको यूं, उसके बाद हम इस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से फटाफट से हमारा पेड़ की पत्तियां रेडी हो जाती है। ठीक है, अब जैसे इस तरफ मैं मल्टी कलर से बताती हूँ आपको, रेड येलो इस तरह का पेड़ बनाना है हमको, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, टफ तो नहीं लगा? मेरे ख्याल से टफ नहीं था बेटा, बहुत सिंपल था। आया समझ में सबको? किसने बनाया? शोमी, विदुषी इतना सोच में क्यों पड़ गई? मैंने इतना टफ तो कुछ नहीं बताया। विदुषी तो बहुत टेंशन में लग रही है मुझे। विदुषी क्या हो गया? यशिका, शोमी बेटा, आर्यन, पार्थ, किसने बनाया बनाया बेटा? शोमी, अरे वाह, वेरी नाइस तेजस्विनी, अरे वाह, एकदम वेरी नाइस बेटा, ब्यूटीफुल, वेल डन। ठीक है, अब मैं मल्टी कलर वाली लीव्स बताती हूँ फटाफट से, क्योंकि हमारे पास जस्ट 5 मिनट्स है। अब मैं चुपचाप से बनाती जाऊंगी, आप लोग सब सिर्फ देखोगे। ठीक है, जैसे मुझे रेड कलर की लीव्स डाली है या ऑरेंज कलर की, वैसी ब्रश को गीला करेंगे, कलर के अंदर डिप करेंगे, सारे ब्रिसल में अच्छे से कलर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हल्का सा प्रेस करके उसको थोड़ा सा फैला देंगे। अब मैं इसमें बहुत सारे कलर अप्लाई करने वाली हूँ, जैसे मैंने इस तरीके से थोड़े से रेड कलर डाले। ये मैंने व्हाइट कलर डाला, अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा येलो कलर। ब्रश को क्लीन करूंगी अच्छे से, पानी से गीला करूंगी। अगर वाटर पानी आपका गंदा हो जाता है बार बार कलर अप्लाई करने के बाद, तो प्लीज वाटर को चेंज कर दो, दूसरा वाटर ले लो। ठीक है, उसके बाद में येलो कलर की लीव्स डाल देती हूँ उसमें खाली स्पेस में। येलो कलर की लीव्स डाल दी इस तरीके से, कलर को ब्रश को गीला करेंगे, कलर खत्म हो जाएगा। ब्रश को इस तरह फैलाएंगे, अप्लाई करेंगे इस तरीके से। उसका ट्री का शेप आपने माइंड में आप रेडी करो कि आपको ट्री कितना बड़ा कैसे रखना है। ठीक है, इसमें हल्का सा ब्लू कलर डाल देते हैं, ब्रश को क्लीन करेंगे, ब्रश में पानी लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ब्लू कलर लिया, पूरे ब्रिसल में कलर अप्लाई करने के बाद हल्का सा उसको प्रेस करेंगे इस तरीके से, ताकि वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। और बहुत संभाल के बेटा, जो तीसरा आप डार्क कलर उसमें अप्लाई कर रहे हो, तो इस तरीके से अप्लाई करना है उसको कि हमारे जो बेसिक और दो कलर हमने डाले वो छूट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जूम करके दिखाती हूँ, देखो किस तरीके से लग रहा है ना, इजी और ब्यूटीफुल, कैसा लगा बच्चे? ठीक है, इस तरह से मल्टी कलर हम पूरी ट्री को बना सकते हैं, या फिर हम ग्रीन से बना रहे हैं तो ग्रीन से बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा ट्री रेडी। तो ये हमारी फटाफट से इस तरीके से सीनरी बन जाती है। तो बेसिक से ट्रिक्स हैं, उसमें आजू बाजू हम चाहें तो और भी चीजें बना सकते हैं, जैसे ग्रासेस बनानी है हमको, तो ग्रास बनाने के लिए बेटा हमसे पतला सा ब्रश लो, पतला ब्रश लो, उसमें कलर अप्लाई करो इस तरीके से, कलर लो और नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से हमको ऐसे ग्रास बना सकते हैं। ऊपर ले आके ब्रश को उठा लेना है, ऊपर ऊपर तक उसको पकड़ होल्ड करके नहीं रखना है ब्रश को, नीचे प्रेस किया, ऊपर जाके ऊपर की तरफ उठा लिया तो ऊपर अपने आप पतला हो जाता है। इस तरीके से हम ग्रास का टेक्सचर बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सूरज उगता हुआ सूरज दिखाना है तो हल्का हल्का सूरज बना सकते हैं। ब्रश को गीला करोगे आप, उसमें हल्का सा रेड कलर लगाओगे, रेड कलर लगाने के बाद फिर से गीला करोगे उसको आप हल्का सा पानी से। ठीक है, हल्का सा गीला करने के बाद हम राउंड शेप बनाएंगे हल्का सा इसको इस तरीके से।
ठीक है। फिर गीला करेंगे ब्रश को, साफ करेंगे को बिना कोई कलर को अप्लाई किए, सिर्फ कॉर्नर्स पे, इसके कॉर्नर्स में पूरा राउंड शेप में एक बार ब्रश को अपने घुमाएंगे ब्रश में पानी लेके इस तरीके से। तो हमारा जो सन वाला पोर्शन है वो हल्के से बैकग्राउंड के साथ में ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में सबको बेटा? एवरीबॉडी ठीक है? मेगा से पीछे का बैकग्राउंड रेडी करके इस तरह से हम ट्री बना सकते हैं, कुछ भी चीज बना सकते हैं बेटा, उसमें एनिमल्स बना सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ भी चीज बना सकते हैं। ओके सौरभ, शो मी योर ड्राइंग। चलो फटाफट से, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स के अंदर हम जल्दी से इसको उठा के साइड में रख दो बेटा, जिसने कर लिया वो साइड में रखो इसको। अब मैं जो मुझे बताना था कि हमें ट्रांसपेरेंट किस तरीके से बनाना चाहिए कोई भी चीज को, हमने बैकग्राउंड रेडी कर लिया था इसका, ठीक है, कि हमको कोई भी चीज बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट बनानी किस तरह बनानी चाहिए। मैंने सर्कल बनाया था सिंपल सा, एक सिंपल सर्कल को कैसे 3D लुक दे सकते हैं ये मैंने बताया था पहले आपको, ठीक है। ये भी सिंपल सा सर्किल है, लेकिन मुझे इसको ट्रांसपेरेंट लुक देना था, मैं कैसे करूंगी? मैंने ब्लूइश ग्रे कलर अप्लाई किया था, ब्लूइश ग्रे कलर से कैसे बनाया था हमने, 1 ब्रश व्हाइट कलर में टिप में ब्लैक कलर लिया था और टिप में ही ब्लू कलर, आपस में मिक्स करेंगे तो ब्लूइश ग्रे कलर बनेगा। जिस भी सरफेस पे हमको ऑब्जेक्ट बनाना है अपने शीट के ऊपर, पहले वाटर अप्लाई करेंगे साफ ब्रश से हल्के हल्के से, फिर अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, वाटर अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, उसके बाद उसको ब्लूइश ग्रे कलर लगा के उसको ऐसे ब्लेंड करेंगे इस तरीके से वर्टिकली। जब वो सूख जाएगा उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर देखो कैसे अप्लाई करेंगे। ये सिंपल सा हमारा ऑब्जेक्ट था, सबसे पहले हम ग्रे कलर लेंगे, ग्रे कलर से हम जो लाइट ग्रे कलर बनाया था बेटा, डार्क ब्लू कलर लेंगे, जो हमने डार्क लाइट ग्रे कलर लिया था उससे हम अपने ऑब्जेक्ट को शेप देंगे सिर्फ कॉर्नर पे, ठीक है। इसमें भी हम सोर्स ऑफ लाइट देखेंगे कहाँ से आ रही है, मैं फ्रंट ऊपर से दिखाती हूँ, ठीक है। हमारा सोर्स ऑफ लाइट ऊपर की तरफ से है, तो नीचे का पोर्शन डार्क रहेगा। ये हम बना रहे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे बनाना चाहिए। हमने बैकग्राउंड में इसका ब्लूइश ग्रे कलर डाला था, नीचे में 1/4 पार्ट में हम इस तरीके से जैसे हमने उसमें रेड किया था ग्रे कलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और वही ग्रे कलर लगा के हल्का सा सिर्फ ऊपर का बॉर्डर बनाएंगे हम, यहाँ पे कोई कलर नहीं लगाएंगे, इस तरीके से हम हल्का सा बॉर्डर बना लेंगे। ये बॉर्डर हमने बना लिया पतली पतली लाइन से ब्रश से, ऐसे बॉर्डर बनाया और नीचे 1/4 पार्ट पे हमने अप्लाई किया था ग्रे कलर, इस तरीके से ग्रे कलर अप्लाई किया। अब इसमें क्या करना है, हल्का सा इसको ब्रश को धोके हल्का सा पानी लेके उसमें इसकी ब्लेंडिंग करेंगे हम बिना कोई कलर लगाए, जैसे मैंने इसमें बताया था, इसको इस तरीके से टर्न कर लो, टर्न करने के बाद ब्रश में पानी लेके इसको इस तरीके से ब्लेंड करते हुए ऊपर की तरफ लेकर आओ, इसको ब्लेंड करते हुए ऊपर की तरफ लेकर आओ इस तरह। ब्रश में पानी लेने के बाद, ब्रश में पानी लिया जहां पे हमारा ग्रे कलर था वहां पे इस तरीके से उसको लगाया और फिर धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ आएंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे इस तरीके से, ऊपर की तरफ आएंगे जैसा हमने इसमें छोड़ दिया था ऊपर सेक्शन, उस तरह हम सेक्शन छोड़ देंगे इसमें, ये इस तरीके से, इस तरह करके हम ये वाला सेक्शन छोड़ देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद उसको छोड़ देंगे, अगर यहाँ पे हमको कलर दिख रहा जाता तो उसको ब्लेंड कर लो आपस में, ये हमारा हो गया बेस रेडी। ओके, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सेक्शन है उसको बहुत ध्यान से देखोगे आप, कि अब जो इसमें हम व्हाइट कलर अप्लाई करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसमें जो हम व्हाइट कलर अप्लाई करेंगे वो किस तरीके से करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका। अब बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर लोगे आप जिसमें कोई और कलर मिक्स ना हो, ठीक है, कोई दूसरे कलर की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, कलर आपका बहुत क्लीन व्हाइट होना चाहिए। ओके चलो, जैसे हमारे बनके सूख जाएगा हल्का सा, हम ब्रश को क्लीन करेंगे और हमारे ब्रश में कौन सा कलर लेंगे हम, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर लेंगे ब्रश में, ठीक है। उसमें ब्रश में पानी नहीं लेना है और ये वाला सेक्शन इसका ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हम इस तरीके से हल्का सा छोटा सा सर्कल बनाएंगे, इस तरीके से सर्किल सॉरी ओवल शेप बनाएंगे, ओवल, ये आपने ओवल शेप बनाया। जैसे ही आपने ओवल शेप बनाया यहाँ पे, तो इसी सेम ब्रश से आप इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में क्या करोगे आप, ब्रश से हल्की सी इस तरीके से लाइन बनाओगे, इस तरीके से यू तिरछी एक लाइन बनाओगे, ये ज्यादा मोटी नहीं होना चाहिए,
इस तरीके से एक लाइन बनाओगे, ठीक है। ये वाला काम करने के बाद, ये वाला काम करने के बाद जितना एक्स्ट्रा कलर है उसको पोंछ देंगे, ब्रश को धोएंगे अच्छी तरीके से। ब्रश को धोने के बाद अब हमको मिक्सिंग करनी, ब्रश में पानी लेंगे धोने के बाद, और बिल्कुल कॉर्नर से जो हमने व्हाइट कलर लगाया था उसके बिल्कुल आउटर बॉर्डर के आउटर साइड से इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें बीच में कलर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल बाहर बाहर से इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से, फैला देंगे चारों तरफ इस तरह फैला देंगे इसको। बिल्कुल सेंटर पे नहीं जाना है हमको, सेंटर पे एकदम व्हाइट कलर होना चाहिए। इस तरह से ब्लेंडिंग करके हम इसको आइट साइड में इस तरीके से इसको ब्लेंड कर देंगे। अब अपने पेज को टर्न करेंगे, यूं पेज को टर्न करेंगे, जो हमने नीचे व्हाइट कलर लगाया था उसको भी हल्का सा ब्लेंड करेंगे, नीचे की तरफ नहीं सिर्फ ऊपर की तरफ से हल्का सा इसको ब्लेंड करेंगे इस तरीके से, यूं इसको ऐसे ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ये हमने ब्लेंड कर दिया, इसको जूम करके देखो बेटा, जूम करके दिखाती हूँ इस तरीके से। ये हमने व्हाइट कलर लगाया था, व्हाइट कलर लगाने के बाद ब्रश को धो के हल्का सा पानी लेके सिर्फ बाहर बाहर की तरफ से व्हाइट कलर को मिक्स करेंगे आजू बाजू ऐसे। ये जो हमने कॉर्नर पे व्हाइट कलर लगाया था इसको भी ऊपर की तरफ से ऐसे हल्का सा वाटर लेके इसे ब्लेंड कर देंगे। अब देंगे हम डार्क ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर या ब्लूइश ग्रे कलर या प्योर ब्लैक कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसमें सजेस्ट करूंगी कि आप हल्का सा ग्रे कलर मिक्स कर लो ब्लैक में, डार्क शेड रेडी कर लो। जैसे हमारा ग्रे कलर था ना, इसमें थोड़ा सा ब्लैक में ग्रे कलर मिक्स करके इस तरह से डार्क शेड रेडी करो। अब देखो क्योंकि शेड ऊपर से पड़ रहा है बेटा, इसलिए हमारा सर्कल किस तरीके से शेडो किस तरह से पड़ेगा इसका, इस तरीके से ऐसा शेडो पड़ेगा। अब यहाँ तिरछा नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ ही इस तरह रहेगा। इस तरीके से बनाओगे आप अपने सर्किल बिल्कुल लाइटली, और सर्किल के नीचे इस तरह डार्क करोगे। पहले ऐसे शेप बना लो इस तरीके का, बिल्कुल जो हमारा राउंड शेप है उसका शेप खराब नहीं होना चाहिए। ब्रश से बिल्कुल पतले ब्रश से भी कर सकते हो, ठीक है। उसको वर्टिकली हमारे ब्रश को इस तरीके से चलाना है बिल्कुल हाफ तक, जो हमने नीचे जो शेप बनाया उसको पूरा शेप को हमने ब्लैक से नहीं कर देना, प्योर ब्लैक। इसको इस तरीके से करने के बाद उसको हम वाटर से इसकी ब्लेंडिंग करेंगे, ब्रश को धोएंगे उसमें पानी लेंगे और इस तरह से ब्लेंड करते हुए हमारा जो पूरा शेप है, जो हमारा पूरा शेप है उस शेप तक हम अपने कलर को फैला देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये फैला दिया इस तरीके से यू। अब हम क्या करेंगे, ब्रश को धो के अच्छी तरह से साफ करके पतले ब्रश से काम करना है आपको, बिल्कुल पतली टिप बना के व्हाइट से इस तरीके से पतली टिप बना के ब्रश के कॉर्नर पर टिप बना के क्या करें हमें सर्कल में इस तरह से हल्की सी लाइंस बनाएंगे, कर्व देख हल्की सी लाइंस बनाएंगे बेटा कहीं कहीं, जहां हमारा व्हाइट सेक्शन था उसको अवॉइड करेंगे, कहीं कहीं पे हल्की हल्की सी लाइन बनाइए। काम बहुत केयरफुली करोगे, बिल्कुल पतली लाइन्स होना चाहिए, लाइन्स बिल्कुल पतली होनी चाहिए, बिल्कुल रफली करके छोड़ देना, बहुत फिनिशिंग नहीं देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट, ये हो गया सॉलिड और ये हो गया ट्रांसपेरेंट। तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए हमको किस तरह बनाना चाहिए, पहले कि उसके बैकग्राउंड में जो भी चीज है उसको पहले बैकग्राउंड में वो कलर डाल देना चाहिए, फिर हमारा जो शेप है उसमें सोर्स ऑफ लाइट का डायरेक्शन सर्च करना चाहिए कहाँ से सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से है, फिर ग्रे कलर का अप्लाई करना चाहिए, उसकी वॉटर से ब्लेंडिंग कर देना चाहिए, फिर हमें व्हाइट कलर अप्लाई करना चाहिए ये दो कॉर्नर्स पे, उसकी लाइटली ब्लेंडिंग कर देना चाहिए, ठीक है। और फिर जब सूखने के बाद हल्का से ब्रश से उसको कहीं पे टच देंगे और नीचे किस तरह डार्क शेड करेंगे, अगर ऊपर से आ रहा है तो नीचे की तरफ ये शेप बनेगा, साइड से है तो इस साइड बनेगा ये शेप, इधर से लाइट आ रही है तो साइड बनेगा। तो इस तरह से किसी भी चीज को 3D फॉर्म में बनाने के लिए सॉलिड फॉर्म में इस तरह से शेडिंग करेंगे और ट्रांसपेरेंट फॉर्म में इस तरह से शेडिंग करेंगे पीछे बैकग्राउंड रेडी करके। मेरे ख्याल से बेटा आज की एक्टिविटी सबको पसंद आई होगी कि किस तरह ट्रांसपेरेंट लुक दे सकते हैं हम, इस तरह कोई भी चीज को ट्रांसपेरेंट लुक दे सकते हैं। तो आपके बेसिक टेक्निक मेरे ख्याल से सबको समझ में आई होगी ट्रांसपेरेंट और सॉलिड 3D लुक देने के लिए हमको किस तरह का कलर अप्लाई करना चाहिए। ओके एवरीबॉडी, यशिका सिट प्रॉपरली बेटा, यू आर नॉट सिटिंग प्रॉपर वे, सिट प्रॉपरली बच्चे। यस वेरी नाइस, सर्किल किसने बनाया, शो मी सर्किल, सर्किल किसने बनाया, ठीक है बेटा। आज की एक्टिविटी सबको समझ में आ गई है,
हमारा क्लास का टाइम ओवर हो गया है, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको ये एनसील खरीद के रखना है, वेलकम पाउडर सबके पास रहता है, ठीक है। और इसके अलावा और जो भी चीजें चाहिए होंगी वन डे बिफोर मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो घर में प्लास्टिक के जार, प्लास्टिक बॉटल, ओल्ड ग्लास, कप, कुछ भी होता होगा उसमें हम बनाएंगे, ठीक है, क्ले आर्ट। और गांधी जयंती के लिए आपको कुछ ना कुछ बना के, एक्टिविटी बना के मुझे सेंड करनी है पिक्चर, ओके एवरीबॉडी। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे बेटा, टेक केयर।